पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शैली की रामलीला मुंबई में भी पसंद की जाती है। श्री राम मानस मंच के संस्थापक राजेश रस्तोगी के निर्देशन में मुंबई के मलाड में 41 वर्षों से श्री रामलीला मंचन करने जाते हैं। फिल्म जगत की हस्तियां भी मुरादाबाद शैली की रामलीला देखने आती हैं। श्री राम मानस मंचन के निर्देशक राजेश रस्तोगी के साथ मुरादाबाद ही नहीं मुंबई के कलाकार भी जुड़े हुए। श्री राम मानस मंच के कलाकारों द्वारा आज संस्था के निर्देशक राजेश रस्तोगी के निवास स्थान पर विहंगम दृश्यों का प्रदर्शन करते हुए प्रमुख दृश्यों का अभ्यास किया, जिसमें आज विशेषता ये रही कि संस्था के संवाद पुस्तिका के रचयिता दिनेश मानस अपने कई प्रोग्राम छोड़कर मुरादाबाद में उपस्थित रहे। व्यास गति पर अमित व्यास का सानिध्य प्राप्त रहा। इस वर्ष श्री राम का अभिनय कर रहे अक्षत सक्सेना और माँ सीता का अभिनय कर रही उन्नति सक्सेना दोनों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। प्रथम जय श्री राम। श्री राम मानस मंच जो संस्था है हमारी, उसके तत्वधान में जो मुंबई के भव्य रंगमंच पर विगत 41 वर्षों से सफलतम संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन हो रहा है, वो संस्था के द्वारा आज यहाँ रिहर्सल की गई है। इस रिहर्सल को करने का मात्र उद्देश्य यह है कि जो आज की तारीख में रामायण का जो प्रदर्शन होता है उसमें आपने देखा होगा, आप लोग चूंकि सभी पत्रकार हैं, कि रामायण के प्रदर्शन में कई प्रकार की किदवंतियाँ, कई प्रकार की भ्रांतियाँ चल रही हैं। संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन जैसा होना चाहिए वैसा शायद लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सच्चाई और उसकी भव्यता को शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि रामायण के ऊपर कई सीरियल आ चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा जो भव्यता दिखाई है, वैसी ही कुछ भव्यता के साथ संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन मुंबई के भव्य रंगमंच पर श्री राम मानस मंच के कलाकारों द्वारा 41 वर्षों से किया जा रहा है। जिसकी कुछ बातें जैसे कि बहुत 40 फीट का धनुष, जब उसका भंजन होता है तो उसमें से भगवान शिव का प्रकट होना, 25 फीट के हनुमान जी को जब छाती उन्होंने चीर के दिखाई तो राम लक्ष्मण सीता जी का उसमें बैठे हुए निकलना, इस तरह के कार्यक्रम जो भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं उन सारे अवतारों का एक बार पूरे रथ पे दर्शन दिलवाना, ये सब संपूर्ण रामायण के हमारी विशेष कार्यक्रम रहते हैं। और
जो रामलीला के प्रसंग होते हैं वो बहुत अनूठे और बहुत सुंदर तरीके से सजीव चित्रण होता है, उसके लिए रिहर्सल आज की गई है ताकि कलाकारों को एक, हालांकि कलाकार सारे पूरे हैं, सब बहुत एक्टिव हैं, जो राम जी बनते थे अब उनकी बेटी सीता बन रही है, जो पहले कभी हनुमान जी और सुग्रीव जी बनते हैं अब उनके बच्चे राम और सीता बन रहे हैं, तो इस तरह से पुराने से जो चले आ रहे हैं 41 साल से हम लोगों का जो परिवार बन गया है उनके बच्चे उसमें रामायण का प्रदर्शन करते हैं, तो रिहर्सल की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रत्येक रविवार को, जन्माष्टमी के पश्चात प्रत्येक रविवार को हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए क्या डायलॉग हैं, किस तरह से करना है। कुछ लोग कलाकार नए होते हैं, जैसे हर साल 2, 4, 5, 10 कलाकार नए जाते हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा रिहर्सल होती है और बाकी तो सब बहुत अच्छा चल ही रहा है। तो मैं, ये मुंबई में कब शुरू होगी आपकी रामलीला और कब? 15 तारीख को पहला प्रदर्शन होगा, 15 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर का दशहरा है, तब तक सारी टीम वहीं रहेगी और वो सब लोग वहाँ पर रामायण का प्रदर्शन करेंगे। सारे लोग जा रहे हैं, हमारे जो स्क्रिप्ट है उसकी भी एक स्पेशलिटी है, जो हमारे आदरणीय दिनेश मानस जी हैं, इन्होंने इस पार्श्ववाचक पुस्तक का, ये रचयिता हैं, इन्होंने इसको लिखा है, बहुत सुंदर पुस्तक, सारे संवाद लिखे गए हैं। देखिए, लिए तो सब रामायण से गए हैं लेकिन संवाद को लेखन का कार्य जो होता है, लेखनी, वो इनकी है और ये खुद इनके डायलॉग अगर आप सुने तो हृदय को छूने वाले डायलॉग होते हैं। ऐसे पार्श्ववाचक हमारे दिनेश मानस जी, बबीता जी, ये सब जो रामायण हमारी, जो हमारी रामलीला होती है उसकी अगर हृदय गति, जो हृदय को जाने वाली जो सांसें हैं, गतियां हैं, वो ये पार्श्ववाचक इसकी हृदय की गति हैं। इनकी ही, इनके ही वाचन पे जो एक्टर हैं उनके कदम चलते हैं। तो ये सब साधु पद के पात्र हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार भी प्रभु श्री राम का वहाँ पर लीला का हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं राजेश रस्तोगी विदा लेता हूँ। जय श्री राम। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।